नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन में 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने और आगामी त्योहारों में एहतियात बरतने को लेकर पीएम मोदी ने आज देश को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने चल रहे त्योहारी सीजन को लेकर देशवासियों को आगाह किया है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के इस दौर में त्योहारों के सीजन में हमें लापरवाही नहीं बरतनी है और पूरी सतर्कता के साथ त्योहार मनाना है। पीएम ने जनता से अपील की है कि कवच कितना ही उत्तम हो, कवच कितना ही आधुनिक हो, कवच से सुरक्षा की पूरी गारंटी हो, तो भी जब तक युद्ध चल रहा है हथियार नहीं डाले जाते। मेरा आग्रह है कि हमें अपने त्योहारों को लेकर पूरी सतर्कता के साथ रहना होगा। वहीं पीएम मोदी ने अपने संबोधन में 100 करोड़ वैक्सीनेशन के आंकड़े को पार करने के लिए देश के हर नागरिक को बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले साल दिवाली पर हर किसी के मन में एक तनाव और डर था, लेकिन इस दिवाली 100 करोड़ वैक्सीन डोज के कारण एक विश्वास बना है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन का अभियान शुरू किया। बीमारी भेदभाव नहीं करती, तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। कोरोना वैक्सीनेशन में वीआईपी कल्चर हावी नहीं होने दिया। पीएम ने कहा कि अगर मेरे देश की वैक्सीन मुझे सुरक्षा दे सकती है, तो मेरे देश में बने सामान मेरी दिवाली को और भी भव्य बना सकते हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा है कि देश बड़े लक्ष्य तय करना और उन्हें हासिल करना जानता है, लेकिन इसके लिए हमें सतत सावधान रहने की जरूरत है, हमें लापरवाह नहीं होना। कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि 21 अक्टूबर को भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का कठिन लेकिन असाधारण लक्ष्य प्राप्त किया। इस उपलब्धि के पीछे 130 करोड़ देशवासियों की कर्तव्य शक्ति लगी है, इसलिए ये सफलता भारत की सफलता है, हर देशवासी की सफलता है। पीएम ने कहा कि आज कई लोग भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से कर रहे हैं, जो भारत के लिए गौरव की बात है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।